फेमस जाड़ी रोटी, ये रखो ये। एक ही रखिए, अभी चाहिएगा तो और ले लेंगे, इसमें रख दीजिए। अब ये इस तरीके से घी लेके आते हैं, जेब में चाकू। Hey guys, welcome to Wilson Sunny Vlogs. मैं हूँ आपका सूत्रधार विल्सन सनी। सबसे पहले आपसे बहुत 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 सॉरी, बिकॉज मैं रेगुलर वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई हेक्टिक वर्क शेड्यूल। एज यू नो, मैं पुणे शिफ्ट हो चुका हूँ और अभी फ़िलहाल क्रिसमस की छुट्टियों पर अपने घर आज ही आया हूँ। तो एक छोटा मैंने वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बट बहुत ही छोटा है। वो इसलिए बनाया था क्योंकि बचपन से मैंने इस जगह का खाना खूब खाया है। ये होटल का नाम है बाबा रामदेव, ये सिरोही करके एक जगह पे है, बहुत अच्छा छोटा सा एक शहर है सिरोही। ये अगर आप पाली से या अजमेर से पाली जाएंगे, पाली से आप सुमेरपुर, सुमेरपुर से आगे आबू रोड की तरफ जब जाएंगे तो सुमेरपुर के बाद आने वाला बड़ा शहर सिरोही ही आता है। सिरोही में बाबा रामदेव एक आपको होटल हाईवे पे भी मिलेगा, एग्जैक्ट सिरोही के बाहर, वो इनकी ब्रांच है। लेकिन आप जाइएगा सिरोही सिटी के अंदर और वहाँ पे इनका पुराना और ओल्ड और सबसे टेस्टी खाना सर्व करने वाला रेस्टोरेंट मिलेगा। वहाँ आप जाएँ, वहाँ पे आप इन्जॉय करें, बड़ा ही यूनिक मेन्यू है, ऑथेंटिक राजस्थानी फूड है वहाँ का। वहाँ पे आपको मिलेगी खोबा रोटी, जो कि एक रिंग रिंग शेप की मोटी रोटी है। इसके अलावा राजस्थान के घर में बनने वाली सब्जी मिलेगी, टेस्ट भी आपको उसका रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले ही कह देता हूँ, लेकिन आपको घर का रिच खाना मिलेगा। घर में जिस अगर मान लो मैं अगर कोई सब्जी घर में बनाता हूँ और उसे रिच बनानी हो तो मैं कैसे बनाऊँगा? घर में यूजुअली लोग क्रीम वगैरह कम यूज़ करते हैं ना, तो वैसे ही अच्छे से प्योर गार्लिक का फ्लेवर आएगा, मसालों का फ्लेवर आएगा और उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डले उन सबका टेस्ट आपको सेपरेटली आएगा। लेकिन उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो सर्व करते हैं, वो नॉर्मल रोटी भी आपको मोटे आटे की मिलेगी, पतले जो आजकल ये पॉलीमाइजर्स में पीसे हुए आटा होता है बारीक आटा, उसका नहीं, मोटा पीसे हुए गेहूं के आटे की आपको रोटी मिलेगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग, आप वहाँ जाएँ तो आप सबसे पहले ट्राई करें उनकी जो मोटी रोटी होती है जिसे वो जाड़ी रोटी बोलते हैं, वो खाएँ। और अगर उससे भी हैवी खाने की आपकी कैपेसिटी है तो आप खोबा रोटी ज़रूर ट्राई करें। खोबा रोटी बेसिकली क्या होती है, खोबा रोटी जो हमारे घर में बाटी बनती है, तो हम उसे मोटे आटे से जो बाटी बनती है उसमें अजवाइन वगैरह डाल के उसकी हम बाटी की जगह एक मोटी रोटी बना देते हैं और उसमें ऐसे रिंग रिंग करके पिंच कर करके एक डिज़ाइन बनती है जो एक इस तरह से मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूँ मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी होती है, लेकिन थोड़ी हैवी होती है। अगर आप में आपका आप ज़्यादा खाने की उस दिन आपको इच्छा हो रही है तो आप खोबा रोटी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप जाड़ी रोटी जो कि मोटी रोटी है वो ज़रूर ट्राई करें, वहाँ की सब्जी के साथ करें। हमने ट्राई की थी आज, मैं पुणे से आते समय रुका था और काफ़ी सालों बाद मैंने ऐसा खाना खाया, ऑलमोस्ट 4 to 5 years, आफ्टर 4 to 5 years। लेकिन मेरे लिए मैं डिसाइड करके आया था कि मेजर लंच वही करना है क्योंकि वो मेरे टेस्ट बर्ड्स को मुझे पसंद है, मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, वन ऑफ दी और ऑथेंटिक खाना है राजस्थानी। और तो आप एंजॉय करेंगे, लोग काफ़ी भीड़ रहती है, रश रहता है, तो आप कोशिश करें कि अगर आप लंच के टाइम पे आए तो 12-1 बजे लंच कर लें, क्योंकि उसके बाद प्रॉपर लंच के टाइम में आपको थोड़ा वेटिंग करना पड़ेगा और शाम को तो अगर आप वीकेंड पर आ रहे हो तो काफ़ी लंबी वेटिंग लगती है। तो बाबा रामदेव का ये छोटा, बाबा रामदेव होटल का ये छोटा सा वीडियो जो आज मैंने शूट किया है आप लोगों के लिए, आई होप आपको पसंद आएगा। और अगेन मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, बट बहुत जल्द एक नए प्लान के साथ मैं आऊँगा प्रॉपरली, उसमें आपको रेगुलर वीडियोस ज़रूर ज़रूर मिलेगी, तो आप उसका लिए थोड़ा सा मुझे समय दें, ठीक है गाइस? तो ये वीडियो आप एंजॉय करिए और एडवांस में आपको हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस, लव यू। सो दिस इज ओरिजिनल बाबा रामदेव होटल जो सिरोही के अंदर है।
जो हाईवे पे है एक एग्जैक्टली सिरोही के बाहर वो इनका है, जो सिरोही से पहले या बाद में आते हैं वो सारे कोई और बाबा रामदेव होटल है, वो ये नहीं है, इसकी ब्रांच नहीं है। ये हमारा खाना आ गया है, ये देखिए रोटी। प्याज, फेमस मिर्ची जिसके बिना ढाबे का खाना अधूरा है। यह है दाल फ्राई और यह है बेसन गट्टे की सब्जी। यह है बेसन गट्टे की सब्जी। यह है इनकी फेमस जाड़ी रोटी। एक ही रखिए, अभी चाहिएगा तो और ले लेंगे, इसमें रख दीजिए। अब ये इस तरीके से घी लेके आते हैं, जेब में चाकू, पंक्चर किया रोटी को। इस तरह से क्रश करके 1/2 कर देना भैया बस। हाँ, थैंक यू भैया। तो ये है ओरिजिनल बाबा रामदेव होटल का खाना, ऑथेंटिक ढाबा वाला खाना मिलेगा आपको, जिसमें दाल है, ये गट्टे की सब्जी है, ये मोटे आटे की रोटी, जाड़ी रोटी जिसे आप बोलते हो, ये है। खाना बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी, ऑथेंटिक राजस्थानी फूड है, एंड यू शुड ट्राई दिस। मैं तो बचपन से खा रहा हूँ, तो बहुत टाइम बाद आया हूँ यहाँ पे, इसलिए इस रूट से निकल रहा था तो सोचा खाया जाए। यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि आपको गट्टे की सब्जी, दाल घर के जैसे मिलेगी, ज़्यादा क्रीम शीम आपको डलावा नहीं मिलेगा इसमें, तो गार्लिक का फ्लेवर, मसालों का फ्लेवर आपको अच्छे से आएगा।